हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री को पढ़ते समय, बहुत सारे विषयों को पढ़ते समय अक्सर ये देखा गया है कि हमें कुछ टर्म्स को समझने में दिक्कत होती है। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका अर्थ ही बहुत हमको स्पष्ट नहीं होता, और नहीं स्पष्ट होता है तो उस कारण फिर आगे उस विषय को समझने में, उसका पढ़ने में और उससे संबंधित प्रश्नों का जवाब देने में, जवाब खोजने में हमको बहुत कठिनाई होती है। तो खासतौर पर हिस्ट्री में ऐसे कई सब्जेक्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट को, ऐसे ही कुछ टर्म्स को, ऐसे ही कुछ शब्दों को इंक्लूड कर रहे हैं जिनका अर्थ हमारे लिए स्पष्ट नहीं होता। बहुत छोटे 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 टॉपिक है, लेकिन खासतौर पर प्राचीन भारत में ऐसे शब्दों को आज हम प्राचीन भारत के ले रहे हैं। अगले कुछ टॉपिक में, कुछ लेक्चर्स में जो है, हम मेडिवल हिस्ट्री के और फिर मॉडर्न इंडिया के कुछ ऐसे शब्द लेंगे जिनको, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन उनको समझना आसान नहीं होता, और चूंकि समझ में नहीं आते तो हमको आगे का अध्ययन हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही प्राचीन भारत के कुछ शब्दों को ले रहे हैं। खासतौर पे जमींदारी है, जैसे जागीरदारी है, सामंतवाद है, इन शब्दों को आज हम, इन टर्म्स को हम आज डील करेंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS, ए चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस, और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो लेट अस देखेंगे आज इन शब्दों के अर्थ। जैसे जमींदारी है, जागीरदारी है और सामंतवाद है, इन शब्दों के अर्थ जो है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बहुत स्पष्ट अर्थ शब्द नहीं है अंग्रेजी में, इसके लिए इंग्लिश में तो इसको जमींदारी ही कहा जाता है, और ये भी जागीरदारी है। सामंतवाद के लिए फ्यूडलिज्म शब्द यूज़ किया जाता है। तो हम एक एक टर्म देखते हैं। हम देखते हैं कि जमींदारी होती क्या है, हम ये भी देखेंगे कि जमींदारी का आरंभ कहाँ से होता है और उसकी आगे क्या स्थिति होती है इतिहास में। तो जागीरदारी, सबसे पहले जमींदारी हम लोग देख रहे हैं। जमींदारी का तात्पर्य ऐसा है कि पहले के जो शासक होते थे वो उनका रेवेन्यू का जो मुख्य सोर्स होता था, दैट वाज लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व ही उनकी आय का मुख्य स्रोत होता था। तो लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का काम पहले तो राजा खुद करता था, अपने कर्मचारी नियुक्त करता था, गांव-गांव से जाके कलेक्शन करते थे। लेकिन फिर इसमें एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू हो गया, एक प्रकार की ठेकेदारी सी शुरू हो गई कि साहब गांव में किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है ये काम दे दिया जाता था कि वो एक क्षेत्र विशेष से, एक गांव, दो गांव, 10-25 गांव से टैक्स वसूल के सरकार तक पहुंचाएगा। तो वो जो है वो पूरे क्षेत्र से टैक्स, किसानों से सालाना जो है टैक्स लेता था, और टैक्स कलेक्ट करके शासक तक जो है, जो राजा है और जो सुल्तान है उन तक पहुँचाता था। तो ये जो सिस्टम है, इसमें जो ये जो व्यक्ति है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ये कहलाता है जमींदार, और इस व्यवस्था को हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। तो जमींदार जो है, ही वॉज ए काइंड ऑफ मीडिएटर। देखिए, टैक्स देना है कृषक को, पीजेंट्स आर सपोज टू पे टैक्स एंड द रूलर इज सपोज टू कलेक्ट द टैक्स। टैक्स लेना है शासक को, शासक और कृषक के बीच में ये जो है, ये जमींदार जो है, ये एक मीडिएटर है जो किसानों से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और शासकों तक उस टैक्स को क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो ये जो जमींदार की व्यवस्था होती है, इसको हम कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था जो है, जमींदारी सिस्टम जो है, इट्स ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इट्स ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व के संग्रहण की एक व्यवस्था है जमींदारी, जिसमें एक जमींदार होता है जो मध्यस्थ होता है, जो किसानों से टैक्स लेता है और शासक तक पहुंचाता है, सुल्तान तक पहुंचाता है। देखिए, यहां पर जमींदार जो है उसको क्या मिलता है, जमींदार को दो चीजें मिलती है, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो ये मिलता है, ही गेट्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय हिम, एक निश्चित हिस्सा, जनरली उसको 10% हिस्सा मिलता है, जो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता था। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इसको देशमुखी या सरदेशमुखी कहा जाता था, जमींदारी भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो माल ए हक कहा गया मध्यकाल में, सल्तनत काल में, माल ए हक, जो जमींदारों का अपना हक होता था कि चूंकि वो टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं इसलिए वो शासक से उसका एक हिस्सा लेंगे। तो 10% जनरली उनको मिलता था कि जितना भी वो टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे सालाना, 10% ऑफ दैट टैक्स विल बी गिवन टू द जमींदार्स।
तो ये जमींदारी व्यवस्था है। जरा देखते हैं कि ये आरंभ कहाँ से हुई। जमींदारी का आरंभ हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। जमींदारी व्यवस्था एंशियंट पीरियड में शुरू हुई और ऐसा कहा जाता है कि ये शुरू होती है सातवाहंस के पीरियड में। हमारे यहाँ प्राचीन भारत में सातवाहन वंश नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध वंश हुआ। सातवाहन वंश के बड़े प्रसिद्ध शासक हुए। आपने सुना होगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी है, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, सातकर्णी प्रथम है, ऐसे कई प्रसिद्ध शासक हुए। तो सातवाहन वंश के काल में ये इसका आरंभ माना जाता है। इसका आरंभ बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए कि देखिए ऐसा है कि सातवाहनों के समय एक शासक था सातकर्णी फर्स्ट, उसकी वाइफ थी नागानिका। तो नागानिका के द्वारा भूमि दान देने का वर्णन मिलता है, एक नाना घाट अभिलेख मिलता है। उस नाना घाट अभिलेख, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत बार बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। नाना घाट नाम का एक अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, नाना घाट इंस्क्रिप्शन है और ये रानी नागानिका का अभिलेख है, सातवाहन रानी है। और उसमें ये वर्णन मिलता है कि रानी नागानिका ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी। लैंड वाज डोनेटेड टू ब्राह्मिन्स बाय क्वीन नागानिका। अब उनको यहां से क्या हुआ कि भूमि ब्राह्मणों को दान देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर ये प्रक्रिया कई वर्षों तक चली है। इसके बाद मतलब सातवाहन से शुरू हुई और उसके बाद गुप्त काल में और आगे राजपूत काल में भी चलती रही कि ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी। उस भूमि को बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया जाता था, उस भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्रह्मदेय कहते थे या अग्रहार कहते थे, ब्रह्मदेय अग्रहार ऐसा नाम दिया जाता था उस भूमि को, विच वॉज डोनेटेड टू ब्राह्मिन्स। अब ये भूमि जैसे जैसे ब्राह्मणों को दी जाती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास रहती थी। तो बाद में फिर ये विचार किया गया कि चूंकि ब्राह्मणों को भूमि दान में दी ही जा रही है तो उनको इसके साथ कोई लायबिलिटी भी दी जानी चाहिए, उनको इसके साथ कोई उत्तरदायित्व भी दिया जाना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था हो गई कि जिन ब्राह्मणों को ये भूमि दान दी जाती थी उनकी भूमि तो जो है टैक्स फ्री होती थी, लेकिन उनको एक दायित्व दिया जाता था कि दे विल हैव टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन। उनको अपने आसपास के क्षेत्र से कर वसूलना पड़ेगा और कर वसूल के शासक तक पहुंचाना पड़ेगा, राजा तक पहुंचाना पड़ेगा। तो यहां से ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू हुई सातवाहनों से। और यही परंपरा धीरे धीरे जो है द सेम ट्रेडिशन वाज कन्वर्टेड इनटू जमींदारी सिस्टम। यही परंपरा जो है धीरे धीरे जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा जो सातवाहनों के समय शुरू हुई यही जमींदारी व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। और फिर ये पूरे प्राचीन भारत में दिखाई देती है। मध्य भारत में मध्यकाल में देखिए, मध्यकाल में इसका रूप बदल गया, जमींदारों के नाम बदल गए। जैसे खूत होते थे, मुकद्दम होते थे, चौधरी होते थे सल्तनत काल में, या मुगल काल में जो है कानूनगो होते थे, या अमाल गुजार होते थे, या जिनको माल गुजार कहा गया बाद में, ये सब जमींदारी के ही रूप। और जब आधुनिक भारत में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया तब भी ये चल रहा था, तब भी चल रहा था। और आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में तो यूं भी हुआ है कि अंग्रेजों ने इसको और व्यवस्थित रूप दिया। वारन हेस्टिंग्स ने इसको आगे बढ़ाया। बाद में लॉर्ड कार्नवालिस जो थे उन्होंने तो जमींदारों की एक स्थायी व्यवस्था शुरू कर दी, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। इसमें जमींदारों को जो है भूमि का स्वामी बना दिया गया और वो भूमि के स्वामी तब तक रहेंगे जब तक कि वो टैक्स चुका रहे। जमींदार स्वेयर गिवन द ओनरशिप ऑफ द लैंड, दे विल रिमेन द ओनर ऑफ लैंड बट टिल द डेट दे आर पेइंग द टैक्सेस। जब तक वो टैक्स देते रहेंगे तब तक ही, जिस दिन वो जो है टैक्स देना बंद कर देंगे उनसे वो भूमि छीन ली जाएगी। ये 1793 में ये परमानेंट 1793 में परमानेंट सेटलमेंट की सिस्टम शुरू किया गया लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। और ये भी जमींदारी व्यवस्था पर आधारित है, इसको जमींदारी व्यवस्था ही कहा जाता है। तो जो अभी स्वतंत्रता से पहले तक हमारे यहाँ जो जमींदारी व्यवस्था चलती रही दैट वाज मोर और लेस बेस्ड ऑन दिस परमानेंट सेटलमेंट।
तो इस तरह से जमींदारी व्यवस्था जो है हमारे यहाँ आरंभ हुई और चलती रही। बाद में ये जमींदारी समाप्त हो गई स्वतंत्रता के बाद, जो है जब भारत स्वतंत्र हो गया, चूंकि ये जमींदारी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, क्योंकि किसान जो होते थे वो खेती जरूर कर रहे थे बट दे वेर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड। मैंने पहले ही बताया जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित की, उसमें जमींदारों को ही भूमि का स्वामी बना दिया गया एंड द पीजेंट्स वेयर ओनली परफॉर्मिंग कल्टिवेशन ऑन द लैंड, वो केवल खेती कर रहे थे। तो ये ठीक नहीं था, ये सामाजिक न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं था और फिर आर्थिक समानता की दृष्टि से ठीक नहीं था, क्योंकि जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और जो किसान उस पर खेती कर रहे थे दे वेर लैंडलेस। तो इसलिए फिर बाद में भारत में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत में जो है एक व्यवस्था शुरू की गई जिसको हम भूमि सुधार कहते हैं, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत भारत में भूमि सुधार किए गए, उन भूमि सुधार के अंतर्गत ये जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो जो जमींदारी व्यवस्था सातवाहनों के समय शुरू हुई, गुप्तकाल में हुई, मध्यकाल में नए रूप में दिखाई दी, खूत, मुकद्दम और चौधरी के रूप में जमींदार नियुक्त किए गए, या मुकद्दम मुगल काल में मुकद्दम और माल गुजार के रूप में जमींदार नियुक्त किए गए, और आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जमींदार जो है नियुक्त किए गए, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ की गई, वो व्यवस्था स्वतंत्रता तक चली। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार किए गए फॉर द सेक ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए भूमि सुधार किए गए, और उसी भूमि सुधार में ये जमींदारी व्यवस्था भारत पे समाप्त कर दी गई। तो वर्तमान में जमींदारी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन ये जो है भारतीय इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष रही है। तो ये जमींदारी व्यवस्था है। अब इसके अलावा फिर जो है हमको देखना है जागीरदारी क्या होती है, जागीर क्या है। कहते हैं कि ये आपके आपकी जागीर है क्या, आपके पिता की जागीर है क्या, जागीर होती क्या है। देखिए कई बार लोग जागीरदारी और जमींदारी को एक ही समझते हैं। मैंने बताया ना ये शब्द बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं लेकिन उनका अर्थ स्पष्ट नहीं है, बहुत बार बार उपयोग होते हैं बट द एग्जैक्ट मीनिंग इज नॉट क्लियर। उसी के लिए आज हम ये लेक्चर को यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। देखिए जागीरदारी जो है ये एक बड़ी विशिष्ट व्यवस्था है जिसमें शासक जो है अपने जो मंत्री है, अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको सैलरी देता है और इंस्टीड ऑफ पेइंग देम कैश सैलरी, उनको नगद वेतन देने के स्थान पर उनको भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता है। दे आर गिवेन ए पीस ऑफ लैंड इंस्टीड ऑफ पेइंग कैश सैलरी, नगद भुगतान नहीं किया जाता। बड़े बड़े अधिकारियों को, जो राजा के मंत्री जैसे अधिकारी है और बड़े अधिकारी है, उनको जो है नगद वेतन देने के स्थान पर भूमि का एक हिस्सा दे दिया जाता है। ए पीस ऑफ लैंड इज गिवेन इन द किसके बदले में, इन द एक्सचेंज ऑफ देयर सैलरी। सैलरी कैश नहीं दी जाती बल्कि जो है उनको जो है लैंड दे दिया जाता है। तो वो जो लैंड होता है वो उनकी जागीर कहलाता है, जो लैंड है वो कहलाता है उनकी जागीर, और इस सिस्टम को कहते हैं जागीरदारी व्यवस्था। ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये भी होता था कि जो मैंने यहाँ भी बता रहा था कि जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को दो लाभ थे। एक लाभ तो ये था कि वो जो है उसको मिलता था जो टैक्स कलेक्ट किया गया उसका एक हिस्सा। दूसरा बताना छूट गया था वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो जमींदारी व्यवस्था है उसमें जमींदार को दूसरा लाभ ये मिलता था कि वो बहुत प्रभावी हो जाता था, क्योंकि वही कर का निर्धारण करता था, वही कर का कलेक्शन करता था। यदि किसी को एग्जम्प्ट करना है, किसी कोई दुर्घटना के कारण या और बाढ़ के कारण किसी को करों में रियायत देनी है तो वो भी जमींदार देता था। तो जमींदार जो है वहाँ बहुत प्रभावशाली आदमी बन जाता था। जमींदार की बात करो, ये चीज़ जागीरदारी में भी होती थी कि कोई लैंड जो है, मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है, मंत्री स्तर का अधिकारी है राजा का, और उसको आपने 10 20 25 गांव की जागीर दे दी, तो वहाँ पर वो केवल ये नहीं कि वो वहाँ पर खेती करेगा और वहाँ से होने वाली आय को प्राप्त करेगा जो उसके वेतन के समान होगी। उसका वेतन क्या होगा, उसका वेतन यही होगा कि जो उसको जागीर मिली है वहाँ से जो भी आय प्राप्त होगी वो उसका वेतन माना जाएगा। लेकिन होता यह है कि उसको जो
ये जो इस क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया है उसके कारण वो वहाँ पर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है, वो लगभग वहाँ का शासन चलाने लगता है, स्थानीय स्तर पर वहाँ का शासक बन जाता है। वो केवल लैंड के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा, वो केवल रिवेन्यू का कलेक्शन नहीं काम कर रहा, बल्कि वो क्या करेगा, वो वहाँ पर प्रशासन भी चलाने लग जाएगा। इसको ठीक से समझ दीजिए, एक लैंड है जो किसी अधिकारी को दे दिया गया है क्योंकि उसको नगद वेतन नहीं दिया गया है और नगद वेतन के स्थान पर वो भूमि उसको दे दी गई है। अब उस भूमि से होने वाली आय ही उसका वेतन होगा, ऐसा मान लिया जाता है। ये जागीरदारी व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि वो वहाँ से कर वसूल रहा है, चूंकि वहाँ से सारी आय वो प्राप्त कर रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है और वहाँ का प्रशासन भी चलाने लगता है। अब वो केवल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो वहाँ का न्याय भी करेगा, वो वहाँ की पुलिसिंग भी करेगा, वो वहाँ का सब कुछ और कल्याण के काम भी करने लगेगा, पब्लिक वेलफेयर के काम भी करेगा, जस्टिस भी करेगा, पुलिसिंग भी करेगा। तो मतलब वो एक प्रकार से स्थानीय शासक बन जाता है, उस जागीर का वही शासक बन जाता है। तो ये जागीरदारी व्यवस्था है। अब प्रश्न ये कि आरंभ कहाँ से हुई। देखिए, जागीरदारी व्यवस्था जो है वो वैसे तो माना जाता है कि मध्यकालीन इतिहास की विशेषता है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ आपको राजतंत्रीय शासन दिखाई देगा, जहाँ जहाँ आपको मोनार्कियल स्टेट दिखाई देंगे, वहाँ वहाँ जागीरदारी व्यवस्था दिखाई देगी। लेकिन भारत की बात कर लें तो मैं ये कह रहा था कि भारत की बात करें तो मध्यकाल में दिखाई देती है ज़्यादा, लेकिन इसकी शुरुआत प्राचीन भारत में हो गई थी। देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त काल में जागीरदारी का आरंभ माना जाता है, खासतौर पे गुप्त काल के जो अंतिम कुछ फेज है उसमें। और उसके बाद राजपूत काल में तो जागीरदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि राजपूत जो शासक थे उन्होंने अपने अधिकारियों को इसी तरीके से जागीरें दी। और फिर उसके बाद मध्यकाल में मैंने बताया कि जागीरदारी व्यवस्था विशेषता ही मध्यकाल की, जितने मध्यकालीन शासक थे उन्होंने जागीरें वितरित किए, इंस्टीड ऑफ पेइंग कैश सैलरीज टू देयर हायर ऑफिशियल्स दे गेव देम जागीर्स। तो जागीरदारी व्यवस्था शुरू होती है गुप्त काल से, फिर मध्य काल तक चलती है, आधुनिक काल में थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि आधुनिक काल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई शासन में, आधुनिक काल में भी जहाँ जहाँ भारतीय शासक थे, जहाँ जहाँ मोनार्कियल स्टेट्स थे, जिनको हम देशी रियासतें कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, वो जो देशी रियासतें हैं वहाँ पर तो जागीरदारी चलती रही, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था या जो ब्रिटिश शासन था वहाँ जागीरदारी व्यवस्था फिर धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। तो ये जागीरदारी व्यवस्था का आरंभ है और किस तरह से चली भारत में। फिर सामंतवाद है, इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं, फ्यूडलिज्म, इसको भी समझते हैं। देखिए, सामंत शब्द समझिए पहले। सामंत जो है, सामंत का तात्पर्य है किसी बड़े शासक के अधीन छोटे छोटे ऐसे शासक जो स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र है। मतलब एक देखिए, एक बड़ा साम्राज्य होगा, वहाँ पर एक बड़ा राजा होगा, लेकिन उस साम्राज्य के छोटे छोटे हिस्सों में कुछ और शासक अपॉइंट कर दिए जाएंगे जो केंद्रीय शासक के द्वारा अपॉइंट किए गए। अब वो केंद्रीय शासक के अधीन तो होंगे, पर जिस क्षेत्र के वो शासक है वहां पर वो स्वायत्त तरीके से, ऑटोनमस तरीके से, पूरी स्वतंत्रता के साथ शासन चलाते हैं। तो ऐसे शासकों को हम सामंत कहते हैं या फ्यूडल्स कहते हैं। दो विशेषता है, एक तो किसी बड़े शासक के अधीन होते हैं लेकिन अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक होते हैं। अब ये थोड़ी कॉन्ट्ररी है, थोड़ा सा आयरनिकल है कि साहब अधीन भी है और स्वतंत्र भी है। मैं इसको समझा रहा हूं कि साहब वो केंद्रीय शासक के तो अधीन है लेकिन जिस क्षेत्र में उनको अपॉइंट किया गया वहाँ के वो स्वायत्त शासक होते हैं, वहाँ के वो स्वतंत्र शासक होते हैं, ये कहलाते हैं सामंत। और इस सामंतों की व्यवस्था जिसमें राजा अपने अधीन सामंत नियुक्त करता है, उनको अधिकार देता है और उनसे सेना प्राप्त करता है, उनसे कर प्राप्त करता है, उनके द्वारा उस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, इस पूरी व्यवस्था को देखिए, एक है सामंत और एक है सामंतवाद। तो सामंत तो मैंने बताया कि किसी बड़े राजा के अधीन छोटे छोटे स्वतंत्र शासक है, लेकिन सामंतवाद क्या है? सामंतवाद वो व्यवस्था है जिसमें राजा सामंत नियुक्त करता है, उनसे कर प्राप्त करता है, उनसे उनके माध्यम से उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, इसको कहते हैं सामंतवाद। तो ये जो सामंतवाद है ये भी मध्यकाल की विशेषता है। कुछ लोग तो यही कहते हैं कि जो जागीरदारी व्यवस्था थी
दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू फ्यूडलिज्म। जागीरदारी व्यवस्था ही फ्यूडलिज्म सामंतवाद में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जो जागीरदार धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करते जाते हैं, प्रभाव प्रभुत्व प्राप्त करते जाते हैं, वो धीरे धीरे सामंत में परिवर्तित हो जाते हैं। खासतौर पे हमारे यहाँ सामंतवाद जो है राजपूत काल में बड़ा जबरदस्त तरीके से दिखाई देता है। पूरे देखने के सामंतवाद पूरे विश्व में दिखाई देता है। आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, वहां पर सामंत आपको दिखाई देंगे। आप जापान को पढ़ेंगे, जापान 1867 में जापान में मेइजी क्रांति हुई थी। उसके पहले जापान में सारा शासन सामंतों के पास था, अलग समुराई, सान्यो, दाइमो, ऐसे अलग अलग सामंत होते थे। तो पूरे विश्व में मध्यकाल में और जो पूर्व आधुनिक काल है इसमें जो है जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है उसमें जो है आपको सामंतवाद दिखाई देगा, फ्यूडलिज्म दिखाई देगा। अभी लेकिन भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भारत में जो है सामंतवाद जो है वो राजपूत काल से शुरू होता है। राजपूत काल में सामंत होते थे, उसके पहले गुप्त काल में भी दिखाई देते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज दिखती है गुप्त काल में। आप देखिए कि आपने पढ़ा होगा कि कई जगह ऐसे थे जहां समुद्रगुप्त ने किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बल्कि उनको अपना अधीनस्थ शासक बना लिया था। खासतौर पर दक्षिण भारत, साउथ, दक्षिण भारत की समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की नीति ही यही थी कि उसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता और उनको जीतने के बाद उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, उनको अपने एम्पायर में मर्ज नहीं किया, बल्कि उनको अपना एक सबॉर्डिनेट स्टेट बनाया और उन राजाओं को अपना सबॉर्डिनेट किंग्स रूलर्स बनाया और इस तरह से उनको सामंत ही बनाया। तो राजपूत का गुप्तकाल में, गुप्तकाल के आखिरी पीरियड में सामंतवाद दिखाई देता है, लेकिन राजपूत काल में एस्टेब्लिश हो गया। आप देखिए जितने बड़े बड़े शासक थे, चाहे वो प्रतिहार थे, चाहे वो पाल थे, राष्ट्रकूट थे, इनके सबके सामंत होते, बाद में वो सामंत भी शासक बन गए। जैसे आप देखिए कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे, उन्हीं के सामंत जो है आगे चल के शासक बन गए। खासतौर पर जैसे चंदेल थे, जैसे चौहान थे, ये सब जो है गुर्जर प्रतिहार के ही सामंत होते थे। तो राजपूत काल में सामंतवाद दिखाई देता, मध्यकाल तो पूरा ही सामंतवाद पर आधारित है, सामंत होते थे। आप देखिए कि जो सल्तनत काल में उसमें जो सुल्तान थे उन्होंने अपने सामंत नियुक्त किए। मुगल काल में अकबर के समय जो मनसबदार होते थे वो अधिकांश तौर पर सामंत ही होते थे। तो लेकिन आधुनिक काल में आके फिर धीरे धीरे ये सिस्टम डिमिनिश हो गया। आप देखिए कि सामंतों का बड़ा वर्णन मिलता है। राजपूत काल की एक किताब है अपराजित प्रक्ष, अपराजित प्रक्ष एक भुवन भट्ट नाम का राइटर है, भुवन भट्ट नाम का लेखक है, उसने अपराजित प्रक्ष नाम की किताब लिखी है। इसमें कई प्रकार के, मतलब इसमें सामंतों की कई श्रेणियों का वर्णन है। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महासामंत, सामंत, चतुरांशक, ऐसी अलग 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 श्रेणियाँ इसमें बताई गई है जो सामंतों की होती थी। तो पूरा जो राजपूत काल है, पूरा मध्यकाल जो है वो सामंत की व्यवस्था पर ही आधारित था। मैंने बताया मध्यकाल में भी सामंत चले हैं, आधुनिक काल में भी, खास आधुनिक काल में भी सामंत दिखाई देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो पूना के पेशवा थे, पूना के पेशवा नाम के जो शासक थे, तो उनके भी कई सामंत थे। जैसे इंदौर के होलकर थे, सिंधिया थे ग्वालियर के, बड़ौदा के जो है गायकवाड़ थे, या नागपुर के भोसले थे, ये सब जो है पूना के पेशवा के सामंत थे। बाद में धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए, वो स्वतंत्र होकर शासक ही बन जाते थे उस क्षेत्र के, ये होता था। लेकिन ये जो है पूरा जो है सामंतवाद पर आधारित था। लेकिन मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सामंतों की कोई व्यवस्था थी नहीं, उसके बाद के शासन में भी सामंतों की व्यवस्था नहीं होती थी, तो धीरे धीरे भारत से सामंतवाद समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा जमींदारी, जागीरदारी और सामंतवाद को पर आधारित हमारा एक लेक्चर था, और इसका उद्देश्य ये था कि आपको ये शब्द स्पष्ट हो कि क्या है और इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको पता लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा खास तौर पे, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलरली आपको ये वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।